हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है और क्या फाइंड करना है आपको लेट डब्लू डिनोट द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी इफ़ द रिलेशन आर इज गिवेन बाय आर इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्लू क्रॉस डब्लू सच दैट वी वर्ड एक्स एंड वाई एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है वन लेटर कॉमन देन आर इज रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक ट्रांसजेटिव के बारे में आपको बताना है ठीक है तो रिलेशन कैसे डिफाइन करना है आप जो यहाँ रिलेशन डिफाइन करेंगे इसमें आपको क्या दे रखा है सम वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी का ठीक इस है इसमें आपको सम वर्ड्स है रिलेशन में कुछ भी वर्ड ले लीजिए लाइक like, जैसे पेन आ गया ठीक है जैसे मैंने एक लिखा पेन तो सेकेंड वर्ड जो होगा उसमें क्या होगा ठीक है एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन दे रहा है एक कॉमन होगा एटलीस्ट वन वर्ड सपोज करिए कि मैंने एक लिख दिया ठीक है ई यहाँ पे है यहाँ भी आ गया एक मीनिंग या विदाउट मीनिंग ऐसा नहीं रखना है ठीक है आपको एटलीस्ट कम से कम एक तो कॉमन रहना ही है वर्ड में ठीक है जैसे मैंने ई रखा अब इसके बारे में आपको कह रहा है ठीक है कि ये सब सारा वर्ड है आपके सेट में रिलेशन में अब ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं रिफ्लेक्सिव कैसे लेते हैं कि सेट का रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ए रिलेटेड टू ए अगर हम एक वर्ड लेते हैं पेन ठीक है तो पेन और सेकेंड वर्ड भी क्या होगा वो भी होगा पेन रिफ्लेक्सिव के लिए सेकेंड वर्ड भी होगा पेन इसमें क्या हो गया ऑल वर्ड्स कॉमन हो गया ऑल वर्ड्स क्या हो गया कॉमन हो गया पीई एन सेकेंड में भी पीई एन -E क्योंकि हमने केवल एक वर्ड लिया है पेन और हमको क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन लेटर इज कॉमन तो इसका जो एक लेटर है पेन में पेन में क्या हो गया तीनों लेटर आपका कॉमन हो गया आपने दो वर्ड उठाए हैं ठीक है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक में क्या होगा सिमेट्रिक में आपको क्या होता है दो वर्ड रिलेटेड रहता है कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए ये हम लोग पढ़े डिफिनीशन से इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम दो वर्ड लेते हैं जैसे यहाँ पेन और एग है पेन एग में क्या है एटलीस्ट वन लेटर कॉमन है ऑब्वियसली हम देख रहे हैं ई e कॉमन है क्या एग और पेन देखिए पहले मैं यहाँ बोल रहा हूँ पेन एंड एग पेन रिलेटेड टू एग इसका मीनिंग हुआ कि एटलीस्ट वन लेटर इज कॉमन दैट मीनस इज कॉमन तो क्या पहले अगर एग लिखेंगे फिर रिलेटेड टू पेन ये भी सेम है क्योंकि इसमें भी एटलीस्ट वन लेटर कॉमन आ रहे हैं सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक हो गया ट्रांजेटिव ये क्या होगा कि अगर ये रिलेटेड है इससे और ये रिलेटेड होगा सम अदर वर्ड से ठीक है जैसे मान लीजिए जी से है तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहां पे गोट जी से मैंने ये दिया किसमें भी एक लेटर कॉमन आ रहा है ठीक है तो यहां से ये रिलेटेड है ये दोनों रिलेटेड है तो क्या इस दोनों में कोई कॉमन आ रहा है वो देखना है ठीक है ऐट लीस्ट वन लेटर कॉमन ऐट लीस्ट वन लेटर कॉमन दैट इज जी यहाँ मैंने एक ही लिया है ठीक है लेकिन एटलीस्ट का मीनिंग इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है जैसे आप यहाँ पे ई जी ओ कर सकते हैं ठीक है अगर आपको लगे ऐट लीस्ट नहीं तो आप यहाँ पे ओ भी लगा दीजिए ठीक है तो यहाँ दो लेटर कॉमन आ गया ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस दोनों में वन लेटर कॉमन इस दोनों में गेन वन लेटर कॉमन बट दिस एंड दिस हैव नो लेटर कॉमन पेन और गोट में कोई लेटर कॉमन आ रहा है कोई लेटर कॉमन नहीं है सो इट इज नोट ट्रांजेटिव नोट ट्रांजेटिव ओके थैंक यू आपका आंसर आ गया रिफ्लेक्सिव एंडसमेट्रिक एंड नोट ट्रांजेटिव ओके थैंक यू